हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो एक महत्वपूर्ण विषय है एसे, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। और एक सीरीज पूरी जो एसे पे रिलेटेड चलेगी उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एसे कैसे लिखा जाए और विभिन्न पक्ष क्या क्या होने चाहिए एसे का। तो बहुत ही आकर्षक डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आने वाले समय में करने वाले हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम एक क्लाइमेट इशू उठाएंगे और बेसिकली आज हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ऐसे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से आप भूमिका लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं ऐसे में, और ऐसे की यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मांग क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट सूचना है कि अगर आपने अब तक यूपीएससी हिंदी विद गौरव को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। और आप मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने जो यूपीएससी 2018 की जो एसए के एग्ज़ाम हुआ था, जो परीक्षा हुई थी मेंस की, उसमें मैंने 130 मार्क्स खुद अचीव किए थे और 130 मार्क्स हिंदी मीडियम में वन ऑफ द हाईएस्ट थे। और दूसरी बात, अगर आप टॉप 50 रैंकिंग का, जो कि कनिष्क कटारिया भी आप देखेंगे तो कनिष्क कटारिया के 123 मार्क्स थे, इसके अलावा जो सृष्टि जैन देशमुख हैं इनके भी 120 से कम मार्क्स थे। तो जो 2018 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ऐसे में बहुत कम मार्क्स मिले थे सबको। आप अगर टॉप 50 रैंक्स में देखेंगे तो एक दो लोग ही, मैक्सिमम 5 लोग ही 130 मार्क्स को क्रॉस किए थे। तो ऐसे के संदर्भ में आप इसे देखिए, और जो इस जो आज हमारा लेक्चर है इससे रिलेटेड जो PDF है, जो कि ऐसे मैंने जो 1200 शब्दों में लिखा है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम सीधे टॉपिक देखते हैं और सीखना प्रारंभ करते हैं। हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, करे कोई भरे कोई, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। क्लाइमेट चेंज डन बाई समवन एंड पेड बाई समवन एल्स। देखिए, ऐसे आप टॉपिक पढ़ लीजिए, अपने मन से आप सोचिए, अगर आपने थोड़ा बहुत ऐसे लिखना सीखा है तो आप सोचना प्रारंभ कीजिए। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बेसिकली हमें करना क्या है। तो अगर आप देखेंगे निबंध की मांग, यूपीएससी में आपको 1000 से 1200 शब्द के 2 ऐसे लिखने होते हैं और आपके पास समय होता है 3 घंटे। इसी प्रकार यूपीपीसीएस में अगर आप देखेंगे तो 700 शब्द के 3 ऐसे आपको अलग अलग टॉपिक्स पे लिखने होते हैं। यूपीएससी की बात करूँ तो एक जो विषय आता है वह मूर्त आता है। मूर्त यानी कुछ क्लाइमेट चेंज, जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, मूर्त विषय है, किसी इश्यूज पे आएगा। और दूसरा आएगा अमूर्त विषय। अमूर्त विषय बेसिकली ऐसी चीज आ जाएगा, फॉर एग्जांपल, कि जो हम देखते हैं वह हमेशा सत्य नहीं होता है, या फिर महात्मा गांधी का कोई कथन दे देगा, उस पर आपको ऐसे 1200 से 1000 शब्दों में लिखना होगा। यूपीपीसीएस में 3 तरह के निबंध आते हैं, और जो इस वर्ष पेपर हुआ है इसका भी डिस्कशन हम आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे कि 700 शब्दों में कैसे लिखना है। तो आप सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लें कि हमें ये ऐसे में हमारी जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी और यूपीपीसीएस की वो क्या है। अब देखिए, 2 ऐसे और समय 3 घंटे, इसमें 3 ऐसे और समय 3 घंटे। अब आप इसे समझ लीजिए कि आपको बेसिकली यूपीएससी में एक ऐसे लिखने के लिए 1.5 घंटे मिल रहे हैं, 1.5 आवर्स, और जो यूपीपीसीएस है इसमें आपको 1 घंटा एक ऐसे लिखने में मिल रहा है। अब इस 1.5 घंटे का सदुपयोग कैसे करना है उसको जान लीजिए। तो आपको 30 मिनट देना है टोटल ऐसे की रूपरेखा बनाने में, इसकी भूमिका लिखने में और निष्कर्ष का प्रारूप तैयार करने में आपको ये काम करना है, जिसमें हम कहते हैं कि हमने मेन बॉडी सोच ली, ठीक है। ये जो 30 मिनट है यूपीएससी में, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यूपीएससी प्रॉपर, ठीक है, 1.5 आवर्स है आपके पास, 30 मिनट आपको देना है भूमिका और निष्कर्ष और इसके अलावा मेन बॉडी के जो पॉइंट्स हैं वो सोचने में। इसके अलावा जो 1 घंटा है वो आपको लेखन में लगाना है। 1 घंटे में 1200 शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि लगभग जो कंटेंट है वो आप पहले से सोच चुके होते हैं। यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करूं, इसमें 60 मिनट है, इसमें 20 मिनट में आपको वही काम करना है कि भूमिका निष्कर्ष के साथ साथ मुख्य जो भाग है उसके बारे में सोच लेना है, बाकी 40 मिनट आपको उत्तर लेखन करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया वो कंप्लीट होता है। अब हम बातें हैं वापस अपने एसे के टॉपिक पर। तो देखिए, एसे क्या था फिर से पढ़िए। एसे है जलवायु परिवर्तन, करे कोई भरे कोई, यानी सबसे पहले जो भी हम एसे लिखते हैं, सबसे पहले कोई भी आप एसे लिखते हैं तो पहले टॉपिक पढ़ें,
उसको समझें कि वाकई में टॉपिक की मांग क्या है। तो अगर मैं इस एसे की बात करूं, इस निबंध की बात करूं, तो ये निबंध जो है कहता है, मांग क्या करता है कि आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन किसी और के कारण से हो रहा है, यानी कर कोई और रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। अमीर वर्ग, विकसित देश, आपने देखा होगा कि जो औद्योगिक क्रांति आई मुख्यतः विकसित देशों में आई, जो ब्रिटेन देश है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, कोयला को एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज किया गया, और औद्योगिक क्रांति ने ग्रीन हाउस गैस का बहुत ज्यादा उत्सर्जन करके क्लाइमेट चेंज को जन्म दिया। भर कौन रहा है? गरीब आदमी, ठीक है, और विकासशील देश। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आप शहर में रहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप यूज कर रहे हैं एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, जिससे ग्रीन हाउस गैसें खूब ज्यादा उत्सर्जित हो रही हैं। और जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, जो कि रात में खुले आसमान के नीचे सोने पर आप कह सकते हैं मजबूर है, वो इसका अधिक प्रभाव महसूस कर रहा है। यानी भर वो रहा है, वो क्या करता है, उसको रात में गर्मी लगती है, अधिक चक्रवात बारिश आनी शुरू हो जाती है, अचानक से मौसम ठंडा हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। तो ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है जो हमारा टॉपिक है कि जलवायु परिवर्तन कर कोई और रहा है और भर कोई और रहा है, तो इस बात को आप समझें। अब हम देखते हैं बेसिकली जो क्या हमें करना चाहिए, ऐसे का हमारा जो रूपरेखा है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं यहां पे कुछ डिस्कशन करता हूं ऐसे की रूपरेखा। यहां पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपका ऐसे होगा उसमें आपकी एक भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप 1200 शब्दों का ऐसे लिख रहे हैं, यहां पे मैं एक 1200 शब्दों की रूपरेखा बना रहा हूं, इसी तरह से 700 शब्दों की बना देता हूं जो यूपीपीसीएस की है, तो भूमिका आपकी होनी चाहिए यहां पे 150 शब्द से 200 शब्द और यहां पे बेसिकली 80 से 100 शब्द। ठीक है, इसके बाद आएगा मुख्य भाग। मुख्य भाग अगर आप देखें तो यहां पे होना चाहिए आपका 700 से 900 शब्द, या फिर आप इसको कह सकते हैं 600 से 800 शब्द। यहां पे आपको लिखना है 400 से 450 शब्द। अब इसके बाद आप देखें निष्कर्ष, इसको आप कर ले 500 से 550। ठीक है, निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष क्या होगा, बिल्कुल भूमिका के जैसे 150 से 200 शब्द, तो आप देखें एकदम 800 412 मैक्सिमम और मिनिमम आपका 900 शब्दों में ऐसे हो रहा है। और यहां पे आप लिख दें ऐसे 80 से 100 शब्द पुनः, तो आपका 700 शब्दों में ये भी ऐसे समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे को हम तीन भागों में बांटते हैं, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो बात करते हैं हम कि भूमिका वाकई में क्या होती है और भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो भूमिका है ऐसे की, अगर भूमिका है वो भूमिका इंट्रोडक्शन नहीं होता, इस बात को समझें। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग मैंने देखा यूट्यूब चैनलों पे भी मैंने देखा इन चीज़ों को, मैंने कई लोग की कॉपी भी देखी हैं, कई लोग ने मुझसे ऐसे भी चेक भी कराए हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक पे भी दिन प्रतिदिन आने वाले विभिन्न ऐसों को मैं देखता रहता हूं, जो निबंध लोग लिखते हैं मैं उसको देखता हूं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है निबंध लेखन की, लोग क्या करते हैं सीधे इंट्रोडक्शन चालू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कुछ ऐसे इसको देखा, क्या किया उन्होंने, सीधे ये बताना चालू कर दिया कि जलवायु परिवर्तन क्या है और लिखना चालू कर दिया कि जलवायु परिवर्तन मुख्यतः जो वर्तमान में है वह दीर्घकालीन समय में किसी क्षेत्र की जलवायु, मौसम, तापमान आदि में परिवर्तन है। सीधे उन्होंने इस चीज को समझाना शुरू कर दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये चीज बिल्कुल गलत है, इसको मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। आपको भूमिका बिल्कुल ऐसे नहीं लिखनी होती है, ऐसे में आप सीधे कूद नहीं सकते, ये जीएस का आंसर नहीं है। अगर आप निबंध को नाम से ही समझें कि निबंध कहते हैं, तो निबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लोगों को बांधे, यानी आप इसको पूरी तरह से बांध पाए, आपको एक भूमिका बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारतीय नृत्य संगीत को भी देखें तो भारतीय नृत्य संगीत भी सीधे सीधे गाना नहीं शुरू कर देता है, पहले बैकग्राउंड म्यूजिक चलती है, पहले अलारिपू चलता है। अगर आपका नाटक संगीत की बात चलें तो पहले अलारिपू चलता है, यानी आलाप चलता है, उसके बाद मुख्य जो संगीत होता है वो आता है। ऐसे भी कुछ इसी तरह का एक संगीत है, अगर आप समझें तो ऐसे भी एक तरह की संगीत है। आपको सीधे भूमिका नहीं लिखनी है, सॉरी इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, टॉपिक के बारे में नहीं समझाना है, आपको पहले भूमिका बतानी चाहिए। अब हम बात करेंगे, ठीक है भाई भूमिका बतानी तो चाहिए, भूमिका में होना क्या चाहिए, यानी भूमिका हो कैसी, तो मैं उसकी चर्चा ऐसे करता हूं कि भूमिका में आप कोई कविता लिख सकते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं,
कोई हाल में ही छपी खबर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए भूमिका बेसिकली हो क्या, आप इसको समझिए एक बार। यहाँ पे टॉपिक बोल रहा है जलवायु परिवर्तन करे कोई भरे कोई, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है ना, आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है आपके दैनिक लाइफ से संबंधित, या आपने कहीं सुना हो ऐसी स्टोरी, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि एक किसान है, किसान ने आत्महत्या कर ली, कुछ ऐसी स्टोरी जिससे ये बात प्रूव हो जाए कि जलवायु परिवर्तन कर कोई और रहा है, भर कोई और रहा है। आपने उस स्टोरी के माध्यम से ही बता दिया और चर्चा करनी शुरू कर दी कि देखिए ये बड़ी विकराल समस्या है, ठीक है। आपके पास कोई कविता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक कविता है आपके पास जो टॉपिक को प्रूव कर दे। जैसे कविता कैसी हो, वो ये कविता ये बताए कि जलवायु परिवर्तन कर कोई और रहा है, भर कोई और रहा है, ठीक है। कर कोई और रहा है और भर कोई और रहा है, ये बात अगर कोई कविता बताए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, तो कविता के साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है कि कविताओं को आप अपने हिसाब से पिरो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे मैं आपसे सजेशन दूंगा कि आप क्या करें, कुछ कविताओं को बनी बनाई रख लें, कुछ अच्छी अच्छी कविताएं हैं, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो मैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने नोट्स बनाए थे ऐसे के, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। कुछ कविताओं को आपको बिल्कुल रटी रटाई याद होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए, अबे सुन बे गुलाब भूल मत, पाई जो तूने खुशबू रंग वाब, खून चूसा खाद का तूने असिष्ट, डाल पर इतलाता है कैपिटलिस्ट। ये निराला जी, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी एक कविता है, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिट हो रही है। आप देखिए समझिए क्या कह रहा है, एक कुकुरमुत्ता है, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो एक कुकुरमुत्ता की कहानी है, स्टोरी अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो कह रहा है कि गुलाब, गुलाब को बोल रहा है, देखिए गुलाब मतलब आप कह सकते हैं गुलाब एक धनी वर्ग है, ठीक है, और कुकुरमुत्ता क्या है, जो गरीब वर्ग है, ठीक है, या फिर जो जलवायु का परिवर्तन का भर रहा है, मतलब कष्ट भुगत रहा है वो है, और जो जलवायु परिवर्तन कर रहा है वो गुलाब है, ठीक है। अब यहां से आप लिंक करिए, गुलाब को कह रहा है कि भाई गुलाब तू सुनो, जो तूने खुशबू पाई है, ठीक है, जो तेरा रंग और रूप है वो ऐसे ही नहीं मिल गया है, तूने भाई खाद का खून चूसा है, तूने खाद से पोषक तत्वों को ग्रहण किया है, खाद का खून चूसा है, और तू अब अपने आप पे इतराता है, अपनी रंग और खुशबू पर इतराता है। बेसिकली ये जो कैपिटलिस्ट है वो क्या है, यही पूंजीवादी वर्ग है। इस बात को आप समझिए कि ये कविता सीधे बता रही है, आप अगर इस कविता को पढ़ के समझेंगे, ये सीधे बता रहे कि देखिए कर कोई और रहा है, कर कौन रहा है, कैपिटलिस्ट, और भुगत कौन रहा है, वो जो कि खाद, यानी खाद का खून चूसा गया और कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचा, और कैपिटलिस्ट कौन है, बेसिकली गुलाब है, ठीक है। खाद कौन है, बेसिकली गरीब व्यक्ति है, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी और इससे आपका ऐसे बहुत ही आसानी तरीके से शुरुआत हो जाएगी, और जब आपने शुरुआत अच्छी कर दी तो मार्क्स सीधे सीधे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने भूमिका लिखी, ठीक है, और भूमिका के बाद जो ऐसे की दूसरी खास बात होती है, पहले तो आपको भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो दूसरी खास बात है यहाँ पे आप देखें, भाषा प्रवाह बहुत अच्छा होना चाहिए। जो ऐसे की दूसरी जो खास बात है, अगर हम इसको दूसरा नंबर दें, कि भाषा प्रवाह आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए, मतलब कभी ब्रेक ना लगे। मान लीजिए आप 180 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से ब्रेक मार दें तो क्या होगा, सीधे एक्सीडेंट हो जाएगा और आप गाड़ी से पलट जाएंगे। ऐसे में भी यही होता है, शुरुआत हमने बहुत अच्छा कर दी, यहाँ पे भूमिका बना दी, अब मैं मान लीजिए सीधे यहाँ पे समझाने बैठ जाऊँ कि जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य ये चीज़ें हैं, तो देखिए आपको सीधे दिख रहा है कि ब्रेक अचानक से लग गया। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे सीधे ब्रेक लगाने की बजाय मैं क्या कहूँगा कि जो उपरोक्त कविता है वह एक कवि की नज़रों में ये जो विषय है, विषय क्या है, जलवायु परिवर्तन करे कोई भरे कोई को बहुत ही अच्छी तरीके से व्यक्त करता है, ठीक है। वर्तमान में ये जो समस्या है मुख्यतः देखा जाए तो अमीर गरीब वर्गों के साथ लाई गई, और उसको भुगत कौन रहे हैं, गरीब वर्ग भुगत रहे हैं। मैं इस तरह से एक बैकग्राउंडर तैयार करूंगा। अब मैं आऊंगा कि आगे बढ़ने से पहले हम जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ लेते हैं, और फिर मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा कि जलवायु परिवर्तन क्या है। तो अब आपको समझने आ गया होगा कि भूमिका लिखनी है, भूमिका के बाद इंट्रोडक्शन लिखनी है। तो ये दो चीज़ आज हमारा डिस्कशन का मेन बिंदु था। आने वाले लेक्चर में हम इसके मुख्य भाग को देखेंगे, मुख्य भाग में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है वो देखेंगे,
और अगर आप इसका PDF देख सकते हैं हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप पे है। ख़त्म करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो ऐसे में आपको और चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे में एक अच्छी भूमिका हो, कविता, कोई खबर, ये कहानी हमने डिस्कशन कर ली। हम अलग अलग जितने ऐसे ले आएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग अलग, कभी कहानी के माध्यम से, कभी खबरों के माध्यम से, ठीक है, कभी कुछ तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से भूमिका लिखने का प्रयास करेंगे। और आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आप एक दो चीज़ों को फिक्स कर लें। जैसे मैंने लगभग फिक्स कर लिया है कि कैसा भी प्रश्न आता है तो मैं एक कविता से लिखता हूँ, और दूसरा जो मेरी भूमिका होती है वो बेसिकली कहानी से होती है। तो आप ऐसी भी कुछ चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, विषय की समझ आपको बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और निबंध की जो खास बात है कि आप विषय कुछ भी समझें, आपको बस लिखना है, विषय कभी भी गलत नहीं होता है। निबंध की एक बहुत खास बात यह है, इस चीज़ को भी कैसे ये बात है आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। और ये बेसिकली जो चीज़ काम आती है वो अमूर्त विषयों में काम आती है, यानी जो पार्ट बी होता है UPSC में, इसमें अमूर्त प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो दिखता है वह सत्य नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे जब ऐसे आएंगे तब हम देखेंगे कि ये बात कैसे सत्य है। भाषा प्रवाह की मैंने चर्चा करी थी कि भूमिका के बाद इंट्रोडक्शन कैसे आएगा, सीधे कूद के नहीं आएगा, कुछ लिंकिंग लाइन होनी चाहिए, यानी हर लाइन लिंक हो। मुख्य भाग के अधिकाधिक आयाम हो, यह हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। भविष्यगामी और सकारात्मक निष्कर्ष, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। जो छठवीं इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा ऐसे लिखें जिससे जो एग्जामिनर है वो भावुक हो जाए। और आप देखेंगे अगर आप भूमिका पढ़ेंगे तो आपके अंदर की भावनाएं उमड़ रही होंगी, वो रोने वाली भावना हो, इमोशनल भावना हो, हंसने वाली भावना हो, जैसी भी भावना हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ भावनाओं का संचार हो रहा होगा। और ऐसे की सबसे खास बात यही होती है कि ऐसा हो शुरुआत कि वो भावुक कर जाए, दिल पे सीधे चोट करे। ध्यान रखने योग्य बातों में मैंने चर्चा कर दी है कि सीधा विषय का परिचय नहीं देना होता है। कई ऐसे में मैंने बार बार ये गलतियों को देखता हूँ, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, बहुत अधिक आंकड़ों को प्रयोग से बचना है, उदाहरण अधिक लिखने हैं, इंडेक्स, कविताएं, शायरी आदि का प्रयोग, ये जब हम मुख्य भाग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर्स में तो उस समय सीखेंगे, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हम नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। चौथी चीज़ें, कुछ बनी बनाई चीज़ें आप अपने पास रखें। जैसे मैंने आपसे फिर से बोला, मैंने एक नोट्स बनाए थे प्रॉपर, 20-25 मैंने कविताएं रटी हुई हैं, और मैंने 20-25 कुछ खबरें मेरे दिमाग में, कुछ इंडेक्स, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ऐसे कुछ इंडेक्स मेरे दिमाग में है, वो सीधे सीधे हर ऐसे में मैं यूज़ कर पाता हूँ। तो आपको भी वो काम करना पड़ेगा। फिर जो पांचवी बात है, शुरू में ही निर्धारित कर लें कि लिखना क्या है। ये बात मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कशन कर ली है, और आप देखेंगे तो मैंने आपसे बताया था जब ऐसे का इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको कितना समय मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, अगर आपको 700 शब्दों का, या फिर अगर UPSC में बात करें 1200 शब्दों का लिखना है, तो मैंने वही कहा कि शुरू के 30 मिनट जो आप ऐसे में निर्धारित कर लें कि मुख्य भाग में ये लिखना है, और मुख्य भाग में जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, अगर मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ एक साधारण शब्दों में करूँ तो मान लीजिए आपके दिमाग में आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, राजनीतिक आयाम, ऐसा कुछ आया, आपको क्या करना चाहिए, तुरंत इसको ऑर्डरिंग कर लेनी चाहिए कि पहले इसको लिखूंगा, अगली बार इसको लिखूंगा, अगली बार इसको लिखूंगा। तो ये जो 30 मिनट है इसमें ही बेसिकली आपको ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि लिखना क्या है, ठीक है। तो आपका ऐसे बेसिकली बहुत आसानी से 1.5 घंटे में समाप्त हो जाता है। और ऐसे में आप जो मेरी कॉपी है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, दृष्टि IAS की चेक की हुई कॉपी है, इसके अलावा मैंने विजन के भी कुछ टेस्ट सॉल्व किए थे, तो विजन की भी, विजन IAS की जो मेरी चेक्ड कॉपी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या समस्या महसूस कर रहे हैं ऐसे लिखने में, एग्जैक्टली टू द पॉइंट आप बताएं कि आपको ये चुनौतियाँ हैं और उसका समाधान हम आपको प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।